विजयदशमी पर गोरखनाथ मंदिर से निकली गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ की विजय शोभा यात्रा जैसे ही गोरखनाथ मंदिर से आगे बढ़ी, मुस्लिम और बुनकर समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान उर्दू अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष चौधरी कैफुलवरा ने गोरक्षपीठाधीश्वर का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया, जिस पर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें व उनके समाज के लोगों को गोरखनाथ मंदिर के नवरात्रि अनुष्ठान का प्रसाद दिया। इसमें जौ के पौधे भी थे जिन्हें अनुष्ठान की वेदी पर उगाया जाता है। मुस्लिम समाज ने इस प्रसाद को माथे से लगाकर गोरक्षपीठाधीश्वर के प्रति कृतज्ञता जताई। इस दौरान रास्ते के दोनों तरफ बने मकानों पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं अपने स्मार्टफोन में सीएम योगी की तस्वीर खींचती रहीं। योगी का स्वागत करने वालों में चौधरी रजियुद्दीन, चौधरी मनुद्दीन, अनस जैद, नसीम कमरुल हसन, मोहम्मद खालिद अहमद, बुनकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अजीजुल हई, नन्हे इकराम, वसी अहमद, माजिद अख्तर, हाजी जमशेद सहित अन्य लोग शामिल थे। यहाँ से गोरक्षपीठाधीश्वर का रथ आगे बढ़ा तो निर्माणाधीन श्री झूलेलाल मंदिर के सामने बड़ी संख्या में मौजूद सिंधी समाज के लोगों ने फूल मालाओं से उनका व शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। मानसरोवर मंदिर तक पूरे रास्ते में शोभा यात्रा के स्वागत का सिलसिला चलता रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उर्दू अकादमी के नव नियुक्त अध्यक्ष चौधरी कैफुलवरा ने कहा, चार पीढ़ियों से चला आ रहा है ये प्रोग्राम। हम लोग हमेशा इनका उनके शोभा यात्रा का हम लोग सम्मान करते हैं। यहाँ कभी भी महाराज जी आते कितना देर तक रुके तो क्या बात हुई, कुछ बात हुई? यहाँ तो लगभग 10 मिनट रुके होंगे और बात तो कोई इस तरह से हो नहीं पाई, खाली वो मुस्कुरा रहे थे, हम अपनी बात को कह रहे थे, इतनी आवाज़ थी कि बात शायद उनके तक पहुँची नहीं, लेकिन कल उम्मीद है कि हम उनसे मिल करके अपनी बात को रखेंगे। तो काफ़ी दिनों से कई सालों से चला आ रहा है और आप उर्दू अकादमी के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं राज्य,
महाराज जी ने मुझको अपना पड़ोसी समझ करके अपना हक अदा किया है और मुझको इस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा दिया। विधानसभा के चुनाव में आने वाला अभी अगला विधानसभा चुनाव भी बहुत जल्दी, इसमें क्या हो गया? महाराज जी का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।